हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। अगर आप ब्लॉगर पे अपने वेबसाइट बनाते हो और एडसेंस के लिए भी अप्लाई करते हो तो गूगल एडसेंस की तरफ से आपको एक कोड दिया जाता है, जिस कोड को कॉपी करके आपको पेस्ट करना होता है आपकी वेबसाइट के एचटीएमएल कोड पे। लेकिन गाइस, अगर आप आपके वेबसाइट पे कोई कस्टम थीम सेटअप करके रखे हो तो गाइस कभी कभी एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कोड पेस्ट करके जब हम सेव पे टैप करते हैं तो हमें एक एरर शो करता है और वो एरर आता है विजेट सेटिंग से। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ऊपर जो थ्री डॉट है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। बाद यहाँ पे आपको जंप टू विजेट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर टैप कर दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए तो नीचे आपको एडसेंस वन का एक ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ पर टैप करेंगे तो आपका एडसेंस वन का जितना भी विजेट सेटिंग है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा कोड लिखना है, जिससे क्या होगा आपका एडसेंस वन का जितने भी विजेट सेटिंग है वो सब कुछ यहाँ पे कमेंटेड हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। कमेंट आउट होने के बाद इस कोड का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। इन कोड्स को कमेंट आउट करने के बाद जब आप फिर से सेव पे टैप करोगे तो आपको एक दूसरा एरर शो करेगा जो कि आएगा एडसेंस 2 से। तो इस एरर को भी हम इसी तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जंप टू विजेट, फिर से हम स्क्रॉल डाउन करके एडसेंस 2 पे जाएंगे। एडसेंस 2 के कोड पे जाके जितने भी विजेट सेटिंग है इन सभी को हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे। तो पहले की तरह हम यहाँ पे कर देंगे। और इसके बाद जब हम सेव पे टैप करेंगे तो देखिए सक्सेसफुली हमारा जो कोड है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो गाइज़, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियोस आगे पाने के लिए।